हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में भारत में व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। भारतीय व्यवस्थापिका को संसद पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। संसद भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बननी होती है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स तथा निम्न सदन लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स कहलाता है। संसद के तीनों अंग अलग अलग होते हुए भी अत्र संबंधित हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभा के सदस्य मिलकर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के सदस्य में से की जाती है। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद का सदस्य नहीं हो तो उसे छह माह के भीतर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों, जिन्हें साहित्य कला विज्ञान समाज के जैसे क्षेत्रों के विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से मिलकर गठित होता है। प्रत्येक राज्य की राज्यसभा के सदस्य संख्या उसकी जनसंख्या के अनुपात में है। इनका निर्वाचन राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के समान, जिसे हेर योजना के नाम से जाना जाता है, द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है, जिनकी सदस्य संख्या वर्तमान में 543 प्लस दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं होने पर इस समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। संसद की सदस्यता के लिए राज्यसभा के लिए 30 वर्ष व लोकसभा के लिए 25 वर्ष के आयु होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संसद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना, लाभ के पद का धारण ना करना, विकृत चित्त न होना, दिवालिया न होना आदि योग्यताएं आवश्यक हैं। भारतीय संसद में निचले सदन लोकसभा को अधिक शक्तियां दी गई हैं। आर्थिक मामलों से संबंधित विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने पर ही पारित माना जाता है तथा इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही लागू किया जा सकता है। भारतीय संसद उन सभी कार्य एवं शक्तियों का धारण करती है जो किसी व्यवस्थापिका को धारण करने चाहिए। भारत की समस्त विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। अब हम देखते हैं व्यवस्थापिका के कार्य। सामान्यतः व्यवस्थापिका किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है, जो विधायी शक्तियां वहन करती है तथा देश के लिए विधान या कानून तैयार करने के साथ साथ उससे जुड़े अन्य कार्यों का संपादन करती है। व्यवस्थापिका कार्य और शक्तियों में शासन प्रणाली के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है, परंतु अधिकांश कार्य में समानता पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला व्यवस्थापिका का कार्य है विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन। देश के संपूर्ण क्षेत्र जिसमें रहने वाले समस्त नागरिकों, उसमें कार्यरत राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों व संस्थाओं, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक ग्रामीण और शहरी मामलों आदि पर कानून बनाने, उनमें संशोधन करने
वह उन्हें निरस्त करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। अतः व्यवस्थापिका एक कानून निर्मात्री निकाय के रूप में कार्यरत है। व्यवस्थापिका द्वारा कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है जिसका पालन प्रत्येक कानून के निर्माण में किया जाता है। यदि व्यवस्थापिका द्विसदनीय है तो दोनों सदनों में, और यदि एक सदनीय है तो एक सदन में बहुमत से किसी कानून हेतु प्रस्ताव पारित करवाना आवश्यक है। देश के संविधान में संशोधन, बजट, संस्थाओं का गठन, विलय, विलोपन, नए राज्यों का गठन या दो या दो से अधिक राज्यों के विलय या पुनर्गठन, प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रणालियों के नियम सुधार एवं निराशन आदि जैसे सैकड़ों विषय इसके कार्य होते हैं। वर्तमान में लोक कल्याण का राज्य के उदय के कारण नागरिकों के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों आदि के निर्माण की जिम्मेदारी भी व्यवस्थापिका पर आ गई है। दूसरा पॉइंट है बजट। अधिकांश देशों में प्रत्येक वर्ष सरकार के आय व्यय के विवरण को व्यवस्थापिका में पारित करवाया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में हुए व्यय एवं आय के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाले संभावित व्यय एवं आय का ब्यौरा दिया जाता है। भारत में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त इसमें देश के लिए आर्थिक नीतियों, नए करों की घोषणा, जनता के कल्याण हेतु नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण दिया जाता है। बजट सामान्यतः वर्ष के प्रारंभ में प्रस्तुत किया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट के संबंध में जो निचले सदन हैं, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, उनको ज्यादा अधिकार होते हैं। निचले सदन में पारित होने पर उसे उच्च सदन में भेजा जाता है, जहां पर इस पर विचार विमर्श में मतदान होता है। उच्च सदन इसे पारित कर सकता है या सिफारिशों के साथ लौटा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य वित्तीय कार्य। व्यवस्थापिका वार्षिक वित्तीय विवरण के अलावा भी कई आर्थिक कार्य संपादित करता है। विधायिका या व्यवस्थापिका किसी कर को लगाने, हटाने, कम करने, परिवर्तित करने तथा विनियमन करने संबंधी विधेयक पारित करती है। सरकार द्वारा ऋण या लिए जाने या दिए जाने, किसी संपत्ति को बेचने या अधिकृत करने संबंधी विधेयक भी व्यवस्थापिका द्वारा पारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देश की संचित निधि से धन निकालने या उसे उस पर भारित करने के लिए व्यवस्थापिका में विधान बनाना आवश्यक है। देश के आर्थिक वित्तीय विवरण के अलावा किसी देश के लिए बजट में निर्धारित राशि कम हो तो अनुपूरक अनुदान, किसी सेवा जो कि बजट में वर्णित नहीं की गई है के लिए राशि के लिए अतिरिक्त अनुदान तथा यदि किसी सेवा को आवंटित राशि से ज्यादा व्यय हो जाए तो उसके लिए अधिक अनुदान के रूप में व्यवस्थापिका धन पारित करती है। इसके अतिरिक्त बजट प्रक्रिया के दौरान सरकार चलाने के लिए लेखानुदान, किसी सेवा के अप्रत्याशित खर्चे के लिए प्रत्यानुदान पारित कर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन करना। भारत व अमेरिका जैसे देशों में जिसमें लिखित संविधान है, या ब्रिटेन जैसे देश जहां अलिखित व अर्धलिखित संविधान है, दोनों ही अवस्थाओं में व्यवस्थापिका संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में संविधान संशोधन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई गई है। अमेरिका में भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव
कांग्रेस के दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना व तीन चौथाई राज्यों द्वारा 7 वर्ष में अनुमोदन होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन से संबंधित कार्य व्यवस्थापिका निर्वाचन भी करती है। भारत में लोकसभा राज्यसभा व राज्यों की विधानसभा मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। लोकसभा व राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। फ्रांस में व्यवस्थापिका के दोनों सदन मिलकर वहां के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। स्विट्जरलैंड व रूस की व्यवस्थापिका न्यायाधीशों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री व्यवस्थापिका के ही अंग होते हैं, उसी में से लिए जाते हैं। कार्यपालिका या सरकार के कानूनों नीतियों तथा बजट की स्वीकृति के अलावा अन्य साधनों द्वारा कार्यपालिका को सजग सक्रिय एवं जवाबदेह बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका में बैठकर न केवल देश का भविष्य तय करते हैं बल्कि जनसाधारण की इच्छाओं आकांक्षाओं तथा समस्याओं को राष्ट्र के सम्मुख लाने तथा उन पर सार्थक बहस करने का कार्य भी करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों में विचार विमर्श एवं परिषद पहुंचने के लिए प्रश्नकाल एवं शून्यकाल जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं। भारत में भी कार्यपालिका से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अल्पावधि प्रश्न। इसके अलावा भारत में व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए काम रोको या स्थगन प्रस्ताव, 2 घंटे की बहस, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, अल्पकालीन चर्चा, आपातकालीन चर्चा आदि ऐसे उपाय हैं जिससे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है नियुक्तियों का अनुमोदन। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले राष्ट्रों में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका की शक्तियां एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत चेक एंड बैलेंस थ्योरी अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा की गई नियुक्तियों को व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन करना होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में न्यायाधीशों की सेवा शर्तें कांग्रेस द्वारा निर्धारित की जाती हैं परंतु न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसका अनुमोदन सीनेट द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पद से हटाना। व्यवस्थापिका बहुत से प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्तियों को पद से भी हटा सकती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा इम्पीचमेंट लगाकर प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति को साधारण प्रस्ताव द्वारा संसद द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को लोकसभा में बहुमत द्वारा, राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा में बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। संसदीय प्रक्रिया में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। भारत में उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त जैसे पदों से भी अधिकारियों को संसद महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। अमेरिका फ्रांस जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में व्यवस्थापिका अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विशेष संसदीय समितियां नियुक्त करती हैं। भारत में प्राकलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जैसी वित्तीय समितियां व अन्य स्थायी समितियां नियुक्त की जाती हैं।
व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न राजनीतिक प्रशासनिक मामलों की जांच, सुधार सुझाव हेतु समय समय पर समितियां व आयोग नियुक्त किए जाते हैं जो संबंधित विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी कई संस्थाओं की स्थापना, वर्तमान संस्थाओं की समीक्षा तथा उन्हें हटाने संबंधी सिफारिशें भी करती हैं। भारत में प्रथम द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, पुलिस आयोग, संथानम आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, पीसी होता समिति, कोठा समिति आदि इसके उदाहरण है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक कार्य। व्यवस्थापिका न्यायपालिका से संबंधित कार्य भी करती है। जैसे सन 2009 से पूर्व ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स पियर्स की सुनवाई महाभियोग मामले और अंतिम अपीलीय मामलों में उच्चतम न्यायालय के रूप में वहां की व्यवस्थापिका कार्य करती थी। व्यवस्थापिका कानून बनाने, न्यायालयों की स्थापना करने, कार्य क्षेत्र के विस्तार, न्यायाधीशों की सेवा शर्तों का निर्धारण जैसे न्यायपालिका से जुड़े हुए कार्यों को निष्पादित करती है। भारत की व्यवस्थापिका को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यवस्थापिका के विशेषाधिकारों को भंग किए जाने पर उसको कारावास दे सकती है। ऐसा सदन की गरिमा भंग किए जाने पर भी किसी सदस्य या बाहरी व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनमत के आईने के रूप में। व्यवस्थापिका जनता की शक्ति का रूप है। जनता इसका संचालन प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है और सरकार भी जनता द्वारा जिसे जनादेश दिया जाता है वही दल बनाता है। व्यवस्थापिका द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य जनोन्मुख होते हैं। जनप्रतिनिधियों को देश के सामने रखने का यह सबसे बड़ा मंच है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका आमजन की इच्छाओं का आईना है। उपरोक्त कार्यों से स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका किसी भी राष्ट्र की सबसे सशक्त संस्था होती है तथा इसके कार्य में विविधता पाई जाती है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी कार्यों में शामिल होती है जो जनता से या जनता के कल्याण से संबंधित है। व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंगों में समन्वय बनाए रखने के अलावा कार्यपालिका और न्यायपालिका पर तार्किक नियंत्रण स्थापित करती है। अतः व्यवस्थापिका के कार्य बहुआयामी होते हैं। धन्यवाद।